सब्सक्राइब कीजिए टोटल हिंदी टेक्निकल को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और कंपोनेंट की जानकारी के लिए, वो भी हिंदी में, और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक माउस ट्रैप बनाने जा रहे हैं, जो कि हम इस मॉस्किटो बैट से बनाएंगे। तो दोस्तों इस मॉस्किटो बैट का जो सर्किट है उसे हम निकाल करके एक चूहा किलर मशीन बनाएंगे, यानी माउस ट्रैप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रैप को बनाने के लिए जो जो बेसिक सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले तो हमें एक ये मॉस्किटो बैट हमें चाहिएगा। इसका जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल वो हम निकालेंगे। उसके बाद हमें बेसमेंट के लिए थोड़ा सा गत्ते की आवश्यकता होगी, और दोस्तों इस तरह की हमें जाली की भी आवश्यकता होगी। इन्हीं में हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बस बेसिक सा सामान चाहिएगा हमें। तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं सर्किट को। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस मॉस्किटो बैट से इसका सर्किट को निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो चलिए इसके स्क्रू को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इस सर्किट को ओपन कर लिया है। तो चलिए अब इस सर्किट को हम निकाल लेते हैं। यहां पर ये बैटरी के कनेक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी बैटरी ये रही, ये 4 वोल्ट का बैटरी है। दोस्तों ये मैंने गलती से 12 वोल्ट का बैटरी बता दिया था पिछली वीडियो में, लेकिन ये 4 वोल्ट का बैटरी है। तो दोस्तों ये यहाँ पे था, इस तरह से यहाँ पे था ये, तो ये मैंने निकाल लिया था बिकॉज ये काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने बैटरी निकाल दिया था। तो इस बैटरी की जगह हम ये 3.7 वोल्ट का LG का सेल यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सर्किट को हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये कनेक्शन आप देख रही हैं, हम इसके ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्किट मैंने निकाल लिया है। अब इस पूरे बैट को आप एक साइड में रख दीजिए, और इस सर्किट की हमें बस आवश्यकता है। तो दोस्तों अब हमें सर्किट तो मिल चुका है, अब बस हमें बेसमेंट की जरूरत है जहाँ पर हम ये पूरा सर्किट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह के एक गत्ते की आवश्यकता होगी। तो ये मैंने पहले ही काट के रखा हुआ है, तो ये सर्किट इसी पे लगेगा। तो पहले हम इस पे जाली लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह की हम यहाँ पर जाली यूज करेंगे। ये हमारे पास 5 जाली है इस तरह की, तो हम इस तरह की जाली यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हम ये जाली को इस पे फिट कर देंगे। देख सकते हैं आप कनेक्शन, या तो हम यहाँ पर करेंगे सर्किट के या फिर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हर एक जाली के पास में एक होल करना पड़ेगा जहाँ से हम इसके वायर को बाहर निकाल सके। तो हम यहाँ पर होल कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए होल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक जाली के पास में मैंने होल कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर वायर निकालते हैं नीचे से। तो दोस्तों वायर के लिए हम ये 2 वायर का यूज करेंगे। तो रेड वायर को हम 3 जगह लगाएंगे, और ब्लू वायर को, इस ब्लू वायर को हम 2 जगह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर वायर तो मैंने छील दिए हैं, अब वायर के हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 होल किए हैं, तो हम यहाँ से नीचे से इसको वायर को निकालेंगे कुछ इस तरह से।
तो फ्रेंड सारे कनेक्शन तो हो चुके हैं, अब हम इन जाली को चिपकाएंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। तो उसके लिए हम ये ग्लू गन का यूज करेंगे। तो हम जगह जगह पर इस तरह से जगह जगह पर इसके टाके लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सर्किट देखिए, ये जाली हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पर ये सर्किट आप देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पर इन वायर से कनेक्ट करना है। तो बैटरी के यहाँ पर ये जो आउटपुट है सर्किट की वो यहाँ पर लगेगी। तो इन दोनों पॉइंट पे हम ये दोनों वायर को लगाएंगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये बैटरी के वायर है, रेड वाला तो प्लस है और ब्लू वाला माइनस है। तो चलिए पहले यहाँ पर ये आउटपुट को लगाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्किट मैं लगा चुका हूँ। अब यहाँ पर ये बैटरी के जो वायर है दोनों, ये वायर ये बैटरी के वायर है और इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो इसे आप चाहे तो चिपका दीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर बैटरी के वायर लगा दीजिए और सर्किट प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रही है, ये मेरे पास बैटरी है 3.7 वोल्ट का, ये बैटरी है LG का। तो इस बैटरी को हम रेड वाले वायर में तो रेड लगाएंगे और ब्लू वाले वायर में ब्लैक वायर। तो चलिए लगाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब मैं यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन करता हूँ। तो मैं रेड वाले में तो रेड वायर जोड़ूंगा और इस ब्लू वाले में ये बैटरी का ब्लैक वायर जोड़ूंगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सर्किट तैयार हो चुका है। अब बस इसे हम यहाँ से ऑन करते हैं और आप देख सकते हैं पूरा एकदम सर्किट तैयार है। तो मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूं। तो फ्रेंड सर्किट हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब जैसे ही इसमें यहां पर कोई जानवर आएगा, वो यहां से ऐसे टच होगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तरह से ये काम करता है सर्किट। तो आई होप ये ट्रैप आपको पसंद आया और जिस तरह से मैंने कनेक्शन किए आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक दो, ये यहाँ पर एक ही वायर के कनेक्शन है, एक दो और फिर यहाँ पर तीसरा है। इस तरह से एक दो तीन ये मैंने एक ही वायर के किए और ये वाला और ये वाला एक वायर के, दूसरे वायर के, यानी ये और ये दूसरा वायर है और ये एक वायर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह सर्किट तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये सर्किट आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। और दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है तो उसे, और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो उसे आप पूछिए, उसका मैं जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सर्किट आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।